अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद नाहिदा खादरी NRQ 24 न्यूज़ से। आज हमारी गाड़ी टूल गेट राजेंद्र नगर का टूल गेट चढ़ी थी, जहां पर हमें एक स्लिप दिया गया। वहां से हम यहां पर पटेनचेरू का जो टूल गेट बीच है, जहां पर टूल गेट पर आए हैं, वहां पर हमने ये स्लिप के चार्जेस बने हैं 50 रुपीज़। पहले ये चार्जेस 30 रुपीज़ थे, 30 से डायरेक्टली इसे 50 रुपीज़ कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ ना ही चाहे तो या तो 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ बढ़ा सकती थी, लेकिन डायरेक्टली इसे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। 20 रुपीज़ कितनी बड़ी बात होती है हिंदुस्तान की आवाम के लिए, शायद ये नहीं जानते, क्योंकि यहाँ से सिर्फ अमीर लोग की गाड़ी नहीं गुजरती है, बल्कि यहाँ से मिडिल क्लास वालों की गाड़ी गुजरती है। यहाँ से जो गरीब लोग, जो पैसेंजर कॉलेज चलाते हैं, 3-3 दिन के लिए आउट ऑफ जाते हैं, 4 दिन के लिए आउट ऑफ जाते हैं, और जो गरीब लोग लारी छोटा हाथी जैसी गाड़ियां चलाते हैं, वो लोग को कितनी प्रॉब्लम होती है 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने में। यही 20 रुपीज़ में वो एक टाइम का खाना खा सकते हैं, जिसकी वजह से उनका पेट भर सकते हैं। वो उनके दिल से पूछिए ये 20 रुपीज़ कितने ज़्यादा है उनके लिए, ये 20 रुपीज़ से कितना उनका नुकसान हो रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से जो चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं, इससे हिंदुस्तान के आवाम को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ही मुश्किल उठानी पड़ी है गरीब लोगों को यहाँ के। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ गुजर रही है, ये सिर्फ अमीर लोगों की गाड़ी नहीं है, ये बल्कि मेहनत करके खाने वालों की भी गाड़ियाँ यहाँ पर से गुजरती है। ये जो दिन है आज के, अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन तो नहीं है, बल्कि 3 साल पहले जो बुरे दिन थे, वही हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छे दिन थे। नाज़रीन, हम यहाँ के कुछ जो यहाँ पर लारी चलाते हैं, लारी ड्राइवर है ये लोग, यहाँ पर गाड़ी से यहाँ से गुजरती हैं इनकी गाड़ियाँ, तो हम इनसे पूछेंगे कि इनकी हालचाल क्या है, इनको कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी है चार्जेस की तरफ से। आइए इनसे कुछ मालूम करते हैं, ये जो चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टूल गेट पर, उससे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बहुत तकलीफ है यहाँ पे, आने गाड़ी आते रुकते करते, तो पुलिस वाले भी सताते करते, टूल का गेट बढ़ गया, वो यहाँ पे रुके तो भी रोड पे लगाए तो भी पुलिस वाले रात में ट्रेन में बोलो कहाँ जाके फोड़ देते, तकलीफ देते लगाना जो बढ़ा दिए ना, क्या प्रॉब्लम हो रहा आपको? तो बोले तुम नियम बात तो सुनते हैं लोगों, ऐसा उसको बात आती किसको नहीं आती, मराठी आती किसको हिंदी आता नहीं समझते, वो निकालो बोलते, पार्किंग लगाओ बोलते, भाड़ वाले हम कहाँ लगाएंगे बताओ। वही तो है ना, 20-20 रुपये बोले तो बहुत हो गया ना बात है, वो 20 रुपये तो कुछ तो भी खाना तो हमारा निकल जाता है एक टाइम का, वही तो है ना, समझ रहे नहीं ना, वो टोल गेट वाले समझ रहे नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात नहीं समझ रही गरीब लोगों की, कि आप लोगों को 20 रुपये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए 20 रुपये के लिए। जैसे कि नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि इनको बात करना भी, बास को तमिल आती है, बास को मलयालम आती है, लेकिन ये बोल नहीं सक रहे हैं कि हमें किस चीज़ से तकलीफ हो रही है यहाँ पर। ये 20 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं हमें 20 रुपये। इसी के साथ मैं सैयद नाहिदा खादरी NRQ 24 न्यूज़ से, खुदा हाफिज़।